नमस्कार, मैं महेश शर्मा, स्वागत है आपका एक बार फिर किचन फर्स्ट प्रोग्राम में। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो यहीं की नहीं, राजस्थान की नहीं, और ये हमारे एक महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसको मैंने कॉम्बिनेशन दिया है हैदराबाद की एक रेसिपी के साथ में। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे सालन बनते हैं, बिरयानी बनती है हैदराबाद की, लेकिन आज मैं जो लेके आया हूँ वो रेसिपी थोड़ी सी अलग है, जिसको हम हरी सब्जियाँ और बहुत सारी रूटीन की सब्जियाँ खाने के बाद में थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी वाटरी कोई चीज़ ऐसी हो या कोई ऐसा टेस्ट चेंज हो जिसके अंदर मैं वो चीज़ खाऊं, तो मेरा थोड़ा सा टेस्ट बर्ड जो है वो चेंज हो जाए। उसके लिए मैंने जो आज एक क्रिएट की है रेसिपी, उसका नाम है टमाटर का सालन। जो टमाटर का सालन है, जिसको बहुत ही फेमस हैदराबाद की एक डिश है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंगन और मिर्ची का सालन। बैंगन और मिर्ची का सालन बनाना बहुत ही आसान है, और उसकी थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी चेंज है, बट जो आज मैं लेके आया हूँ वो रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। उसके साथ में जो मैंने एक कॉम्बिनेशन दिया है वो दिया है मैंने एक थाली पीठ करके। थाली पीठ जो है महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस रोटी है, जो कि मसाले और सब्जियों के मिश्रण से बनती है। इसके अंदर जो आटा हम लोग यूज़ करते हैं, कमाल का आटा है, जिसको बोलते हैं भाजनी आटा। भाजनी आटा वैसे तो आप यदि हम राजस्थान में या जयपुर में देखें तो हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको अवेलेबल कर सकते हैं। यदि वो नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो हम तैयार हैं मेरे इंग्रेडिएंट्स के साथ में। पहले हम थाली पीठ आटा जो है, थाली पीठ रोटी के लिए जो आटा है उसको हम गूंदेंगे। उसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रखे हैं, और थोड़ा सा पानी मैंने पहले से गर्म कर रखा है, क्योंकि इसको गूंदने के लिए मुझे पानी की आवश्यकता होगी। थाली पीठ आटे के लिए सबसे पहले हम लोग गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं का आटा, फिर मैंने इसमें चना जो है उसका आटा लिया है, चावल का आटा लिया है, इन सारे आटों को उड़द का आटा लिया है, मूंग दाल लिया है, मूंग दाल का आटा भी मैंने लिया है। इन तीनों आटों को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद में इसको ग्राइंड कर लेंगे हम लोग मिक्सी के अंदर, तो ये ऐसी शेप में आ जाएगा। और इन सब की क्वांटिटी हमने बराबर डालिए। थोड़ा सा चने का जो पाउडर है उसको थोड़ा सा दरदरा रखना है, जिससे कि जब वो सिकेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके अंदर हमने अब ये उड़द डाल दिया है, ये मूंग डाल दिया है, और ये मैंने इसमें लास्ट में चने का आटा डाल दिया है। इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा तिल डालेंगे। तिल यदि आप चाहें तो इसमें वैसे भी डाल सकते हैं, थोड़ा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। और कमाल की बात है कि जो तिल है, तिल बहुत ही हेल्दी होता है जैसा कि आप जानते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, और मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगा जिससे कि इसमें थोड़ा कलर आएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ बनाएं तो उसके लिए हमें मोमेंट डालना ज़रूरी होता है। यदि पूड़ी या पराठा कुछ बनाते हैं तो इसके लिए मैंने मोमेंट डाला है। मोमन के लिए थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, और मेरे पास में थोड़ा सा यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, मैं ज़ीरा पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ। और ये है हमारा अजवाइन। ये डालने के बाद में अब थोड़ी सी हमें इसमें वेजिटेबल्स डालनी है। वेजिटेबल्स डालने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली हम लोग डालेंगे, और ये मेरी ग्रीन चिली रेडी।
ये मैंने ग्रीन चिली डाल दी है इसमें, और थोड़ा सा हम लोग इसमें ये धनिया डालेंगे। धनिया डालने के लिए आपको धनिया पहले से अच्छा सा वॉश करके रखना है, और ये हम लोग धनिया डाल रहे हैं। और इसके अलावा जो इसमें वेजिटेबल्स मैंने यूज़ की है वो है गोभी और आलू। इसको मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है गोभी और आलू को, और इसको मैंने थोड़ा सा गोभी को ग्रेट करके और थोड़ा इसको पानी के अंदर बॉईल किया है। सो मैं ये गोभी डाल रहा हूँ। अब इसके अंदर हम लोग जो मैंने गर्म पानी किया है, गर्म पानी के साथ में इस आटे को हम लोग गूंदेंगे, मिक्सचर को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये थाली पीट का जो मिक्सचर है इसको हम लोग करीब 20 मिनट तक आटा गूंदने के बाद में थोड़ी देर रखेंगे, जिससे कि आटा फूल जाएगा, और फिर इसके बाद में बनाएंगे इसके बहुत शानदार से पराठे। और अब मैंने इसमें पानी, गुनगुना पानी जो है वो डाल दिया है। याद रखें इसके अंदर गुनगुना पानी ही डालना है, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं डालना है। अब मैंने इसको जैसे घर में हम लोग करते हैं आटे को गूंद के, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको इस तरीके से रख देना है। और ये मेरा आटा जो है वो तैयार हो गया है, और इस आटे के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दिया है, जिससे कि बाद में जब मैं इसे गूंदूंगा तो ये अपनी एक और अच्छी सी थोड़ी सी थिन शेप ले लेगा, क्योंकि इसे सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसे रोटी की शेप देनी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। सो तैयार है आपका भाजनी आटा, लेकिन अभी इसको तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि इसे अभी हमें 15 मिनट के लिए रखना है। तो ये जब तक तैयार होता है मैं तैयारी करता हूँ अपने सालन की, जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ टमाटर का सालन। तो मेरे पास में सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। उसके लिए सबसे पहले ये जो गर्म पानी मैंने कर रखा है, इस गर्म पानी के लिए मुझे लेने हैं 4 टमाटर, अच्छे लाल टमाटर। और इनको करने के लिए सबसे पहले हमें टमेटोज़ को वॉश करना है, और टमेटोज़ की जो पीछे जो एक आँख बोलते हैं इसको हमें निकालना है। टमेटोज़ की आँख निकालना इतना इजी है, टमेटोज़ में इस तरीके के 4 स्लांट लगते हैं और पीछे से उसकी आई निकालते हैं, और ये मैंने 4 कट लगाए हैं। इसके लिए थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि नाइफ शार्प चाहिए, बट घर में जैसे बोलते हैं कि डोंट प्ले विद नाइफ, तो घर में बस नाइफ से खेलना नहीं है। तो ये मैं उल्टा इसमें टमाटर डालूँगा, थोड़ा सा पानी इसमें और चाहिए होगा, क्योंकि मैंने वही गर्म पानी उसमें यूज़ कर लिया था। ये मेरे 4 टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अब इधर मैं इसको जल्दी करने के लिए मैं इसमें थोड़ा गैस, तेज़ गैस के अंदर करूँगा, जब तक ये फटाफट बॉईल हो जाएगा। इसके लिए अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार करता हूँ। ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें रिफाइंड ऑयल लूँगा। ऑयल आप चाहें तो अपने हिसाब से ऑयल जिस तरीका का भी लेना चाहें ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें देसी घी डालूँगा, थोड़ा स्वाद अच्छा करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के डालें, घी तेल ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब मेरे पास में ये दालचीनी है, मैं दालचीनी डाल रहा हूँ इसमें, और थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे। हींग जो है अपने स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के साथ में ये जावित्री है, जावित्री की खुशबू कमाल की होती है। थोड़ी बड़ी इलायची लूँगा मैं, 2 पीस बड़ी इलायची ली है। इसके अलावा सूखी लाल मिर्च,
थोड़ी सी दाना मेथी। आप सोचेंगे कमाल के इतने सारे इंग्रेडिएंट्स शेफ डाल रहे हैं, तो ये बात बता दूं कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी नहीं है कि चीज़ को अच्छा बनाएं, बट किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बेलीफ तो आज ये हमारे हिंदुस्तान की चीज़ है और हमारा हैदराबाद की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। थोड़ा सा काली मिर्ची डाल रहा हूँ मैं इसमें और दो पीस तीन पीस कार्डमम, ग्रीन कार्डमम। अब आप देखें कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर ली हैं जो कि एक मसाले के लिए ज़रूरी थी। और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें अभी मुझे। तो ये मेरे मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गए हैं, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा, वो है मेरा जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल दिया है मैंने। वाव, जिंजर गार्लिक का पेस्ट के साथ में अब मेरे को नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो डालना है वो है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डालें जितना आपको चाहिए। और थोड़ा सा हम लोग डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखें। और मिर्ची जो है आपको इसको तोड़ के डालनी है, क्योंकि सालन जो है साबुत मिर्ची का होता है, तो इसकी जो पीछे की बोन है वो दिखनी चाहिए। ये मेरे पास में पहले से मैंने ब्रेक करके रखी थी। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे जिससे कि ये ग्रेवी तैयार हो जाए। बहुत बढ़िया। और ये टमाटर का सालन की एक थिक ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डालूँगा कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी जब ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाती है उसके बाद में ही डालते हैं। कस्तूरी मेथी मैंने इसमें डाल दी है और इसको आप अपने हाथ से इस तरीके से करें। और इधर हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जब तक मैं इसे ठंडा करके छीलता हूँ, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं टमाटरों के साथ में तैयार हूँ। ये देखिए छिलके टमाटर तैयार हैं। सो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इन टमाटोज़ को, हमने जैसा कि इसको बॉईल कर लिया था, और अब मैं इसे चॉप करूँगा। तो ये मेरा टमाटर रेडी है। ये टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये हमारा सालन जो है, टमाटर का सालन, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा वाटरी होता है। इसके लिए मैं इसे अब बड़ी गैस पे शिफ्ट कर दूंगा। जब तक अब ये पक्के तैयार होगा तब तक मैं अपनी ओरिजिनल डिश पे आता हूँ, जो कि है थाली पीठ। लगभग आटा तैयार हो गया है, हमारा तवा तैयार है। अब मैं बनाऊंगा थाली पीठ। थाली पीठ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, जैसे घर में एक फर्स्ट क्लास गोल गोल रोटियां जिस तरीके से बनाई जाती हैं उस तरीके से बनाएंगे। और उसके लिए मेरा ये सालन इधर तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा आटा बीच में रखाऊंगा, सूखा आटा। और थाली पीठ के लिए मेरा ये जो आटा है, ये देखिए बहुत टाइट हो गया है। और इस आटे को वापस से थोड़ा सा मैश करूँगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आटा फूल के तैयार हो जाएगा, वैसा ही होगा है। और ये देखिए जिस शेप में था, थोड़ा सा उससे अलग शेप में आ गया है। अब ये मैं थोड़ा सा अपने हाथ में ऑयल लगाऊंगा और
जैसे कि हम लोग घर में रोटी बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा आटा हाथ में लेंगे, और जिस तरीके से आटे की गोली हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से इसको बनानी है। लेकिन ये याद रहे कि ये बिलने में इतनी आसान नहीं है, तो इसको अपने हाथ से और फिर लास्ट में हम लोग इसको बेलन के साथ में बनाते हैं। और ये जब हम लोग हाथ से इसको बेल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें आप आटा और लगाइए, और अब मैं इसमें बेलन लगाऊंगा थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए, ये थाली पीठ की जो रोटी है तैयार हो रही है। और इसको अब हम बिल्कुल पैन के अंदर लगा लेंगे। पैन मैंने पहले से गर्म किया हुआ है, सो ये मैंने तवे में डाल दी है। तवा भी बोल सकते हैं, पैन भी बोल सकते हैं। तवा हिंदी का वर्ड है और अंग्रेजी में इसे पैन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जब कुकिंग सीखते थे तो घर में हमने केवल तवा देखा था। अब तो बहुत तरीके के नॉन स्टिक पैन्स आ गए हैं, आजकल घर की रोटी भी इसी में बनती है। देखिए, बहुत गोल गोल रोटी अब इतना ईजी हो गया इसे बेलना भी। ये देखिए, और ये मेरी गोल गोल पराठे तैयार। इसके लिए मैंने ये पैलेट नाइफ लिया है, पैलेट नाइफ भी ले सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा रहा हूँ, आप चाहें तो थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, बट यदि पार्टी का मूड है और कुछ अच्छा बनाने की इच्छा है तो कभी कभी देसी घी खा लेना चाहिए। अब हम इसे थोड़ा सा तेज आंच में पकाएंगे, इसके लिए मैंने इसे शिफ्ट कर लिया है। सो मेरा ये सालन बिल्कुल तैयार है, इधर मेरी चपाती तैयार है। अब इसमें फाइनली हम लोग डालेंगे कोकोनट पाउडर, जो कि इसकी सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने इसे पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका स्वाद लास्ट में डालने में ही आता है, और ये पूरा अपना कलर टेक्सचर सब कुछ चेंज कर देता है। और फाइनली हमारे इंडियन खाना, इंडियन सब्जी बिना धनिया के तो पूरी हो नहीं सकती है, तो धनिया पाउडर और धनिया ग्रीन हमेशा हमारी सब्जियों का एक अभिन्न अंग है, जो कि फाइनली हम लोग डालते हैं। ये मेरा हरा धनिया डल गया है, और इधर ये मेरा पराठा भी तैयार हो गया है। आप देखें, थाली पीठ पराठा बिल्कुल रेडी है, क्रिस्प। और ये मेरा पराठा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी पराठा मैंने बनाया है। वाओ, ये पराठा तैयार है, इसको हम पलटी मार लेंगे। अब हम तैयारी करते हैं प्लेटिंग की। प्लेटिंग के लिए मेरा सालन तैयार है, मेरा पराठा तैयार है, बस इसको खा के देखना है ये बना कैसा है। और इसमें थोड़ा सा आप एक काम करें कि यदि आप चम्मच से ये जो टमाटर थोड़े थोड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं इसको आप चाहें तो दबा सकते हैं, बाकी इतना ये पक चुका है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हमारा पराठा तैयार है, अब मैं तैयार हूँ इसकी प्लेटिंग करने के लिए। ये जो मेरे पराठे हैं, क्रिस्प पराठे, बिल्कुल देखिए आप बिस्किट की तरह हो गए हैं, और इसके मैंने ट्रायंगल्स बना लिए हैं। ये हमारे बिस्किट्स तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी बिस्किट्स, थाली पीठ। और अब मेरा जो सालन है उसको मुझे डालना है, जो कि मैं आपके सामने सर्व कर रहा हूँ। और ये है हमारा टमाटर का सालन विद थाली पीठ। लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे गार्निश, गार्निश कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लेमन। लेमन डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक वेजेस आपको निकालना है,
वेजेस निकालने के टाइम पे आप थोड़ा सा इसके नींबू के बीज जो हैं उसे निकाल लें और नींबू को इस तरीके से आप मोड़ लें उल्टी तरीके से, तो एक बहुत शानदार गार्निश भी तैयार हो जाती है। ये आपका तैयार हो गया है। सो तैयार है मेरी ये डिश। यदि आप ये यमी रेसिपी की कोई भी इंग्रेडिएंट्स भूल गए हैं, लिखना भूल गए हैं, तो प्लीज़ कागज़ पेन लीजिए और नोट डाउन करिए मेरी ये रेसिपी। आवश्यक सामग्री: थाली पीट भांजनी आटा, आलू दो उबले हुए, गोभी कद्दूकस की हुई, तेल, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, तिल, देशी टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट, साबुत काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, मेथी दाना। थाली पीट: भाजनी आटे को किसी बड़े बर्तन में डालिए। भाजनी आटे के लिए गेहूं, चना, उड़द और मूंग का आटा लें, फिर इसमें थोड़े से तिल डालें और फिर स्वादानुसार नमक डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें, फिर हल्दी पाउडर डालें, 3-4 छोटे चम्मच तेल डालें और फिर इसमें जीरा और अजवाइन डालें, हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक काट कर डालें और फिर कद्दूकस किया हुआ गोभी और आलू को एकदम बारीक मैश करके डालिए। अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करें। हल्के गर्म पानी की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर 15 मिनट के लिए रख दीजिए। 15 मिनट बाद आटा थाली पीट बनाने के लिए तैयार है। फिर सूखे भाजनी आटे में लपेटकर गोल लोई बना लें। हथेलियों की सहायता से बड़ा कर लें। तवा या पैन गर्म कीजिए। थाली पीट को सेकने के लिए गर्म तवे पर डालें। थाली पीट को पलटकर पकाएं। थोड़ा सा तेल या घी लगाकर पकाएं। ब्राउन चित्ती आने और कुरकुरे होने तक सेकें। क्रिस्पी और स्वादिष्ट थाली पीट तैयार है। टमाटर का सालन: बर्तन में पानी उबालें, टमाटर की आंख निकाल लें, टमाटर गर्म पानी में डालें और फिर पानी में उबाल आने के बाद 4-5 मिनट तक उबलने दीजिए। पानी से टमाटर निकाल लीजिए। टमाटर के ऊपर से छिलका उतार लीजिए। टमाटर को काट लीजिए। कढ़ाई में तेल या घी गर्म कीजिए। तेल गर्म होने के बाद इसमें दालचीनी डालें, फिर इसमें हींग डालिए, जीरा डालिए, जावित्री डालिए, बड़ी इलायची डालें, सूखी लाल मिर्च तोड़कर डालें, मेथी दाना डालें, राई डालें, तेज पत्ता डालें, थोड़ी सी काली मिर्च भी डालें। सारे मसालों को भुनें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, फिर लाल मिर्च पाउडर डालें, हल्दी पाउडर डालिए, फिर अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए, हरी मिर्च को तोड़कर डालिए, फिर इसमें कस्तूरी मेथी डालें और सभी मसालों को धीमी आंच पर भुनें। इस मसाले में पानी डालिए और उबाल आने तक पकाएं। तैयार तरी में कटे टमाटर डालिए और फिर धीमी आंच पर पकाएं। आपका टमाटर सालन तैयार है। आज हमने बनाई टमाटर का सालन विद थाली पीट रोटी, जो कि महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस सब्जियों की रोटी है, जो मैंने अपने कॉम्बिनेशन के साथ में रखी है। और अगली बार फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए खम्मा गणी, नमस्कार।